अस्सलाम वालेकुम, आज 5 बजे में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया फौज और मैं हूँ लिया आबिद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे, गाड़ियों के रास्ते में महंगाई का स्पीड ब्रेकर आ गया है। स्टेट बैंक ने ऑटो फाइनेंस पॉलिसी तब्दील कर दी है। दरामद शुदा गाड़ियों के लिए कर्ज की मुद्दत 5 साल और मजमूई हद 30 लाख तक महदूद कर दी गई है। बैंक से लीज पर गाड़ी लेने के लिए 15% के बजाय 30% बयाना अदा करना होगा। स्टेट बैंक की ऑटो फाइनेंस पॉलिसी तब्दील, आवाम के लिए गाड़ी लेना हो गया इंतहाई मुश्किल। स्टेट बैंक के मुताबिक दरामद शुदा गाड़ियों के लिए कर्ज की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 7 साल से कम करके 5 साल कर दी गई। कर्ज की मजमूई हद 30 लाख से जायद नहीं होगी। कम से कम बयाना भी 15% के बजाय 30% अदा करना होगा। डेट बर्डन का ज्यादा से ज्यादा तनासुब 50% से कम करके 40% कर दिया गया। गाड़ियों के कारोबार से मुंसलिक अफराद ने हुकूमती पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया। सारा काम ये बंद हो जाएगा, जब इम्पोर्टेड गाड़ियाँ लीज नहीं होंगी तो कैसे बंदा उसको अपने इस्तेमाल में ला सकेगा। दूसरी रिस्ट्रिक्शन उन्होंने 30 लाख रुपए तक की लगाई है, तो अगर 30 लाख रुपए में तो इस वक्त ग्रैंडी की भी प्राइस नहीं है, ना एक्सपोर्टेज आती है, नहीं होगी इतनी अच्छी, आवाम को फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो लीज में जो जा रहा था बंदा वो स्टक हो जाएगा। छोटे पैसों वाला तो सही है, लेकिन जो फॉर्चुनर वाला है, बड़ी गाड़ियां हैं, ग्रैंडी हैं, इनमें इश्यू जरूर आएंगे। स्टेट बैंक का कहना है कि नई पॉलिसी के खिलाफ मुल्क में तैयार 1000 cc तक की गाड़ियों पर नहीं होगा। नए जवाब का मकसद दरामदाद में कमी लाकर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को बेहतर बनाना है। लाहौर कार डीलर्स एसोसिएशन के सदर शहजादा मोहम्मद सलीम कहते हैं, बैंक लीज की वजह जो गाड़ियों का कारोबार चल रहा था अब वो भी बंद हो जाएगा। उनका मजीद क्या कहना था जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे सईद बलोच से, जो इस वक्त शहजादा मोहम्मद सलीम के साथ मौजूद हैं। जी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कार फाइनेंसिंग के हवाले से अपनी जो पॉलिसी है उसमें रद्दोबदल किया है, जिसके मुताबिक अब बैंक जो हैं वो सिर्फ मकामी तौर पर असेंबल की गई कारों के लिए ही कर्जा जात देंगे, जबकि जो कर्जा जात की मुद्दत है उसके हवाले से भी पॉलिसी में तब्दीली की गई है। अब इस पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट आएगा ऑटो इंडस्ट्री पर, कार डीलर्स पर और बाकी स्टेक होल्डर्स पर, ये हम जानेंगे शहजादा मोहम्मद सलीम साहब से। पाकिस्तान में जो सेक्टर थोड़ा बहुत चल रहा था वो भी आज प्राइम मिनिस्टर के मशीरों और ब्यूरोक्रेसी की मिली भगत के साथ वो सेक्टर भी उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। आज कारों का कारोबार जो थोड़ा बहुत चल रहा था, कार शोरूम्स का, वो भी अब मुझे लगता है कि बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा। 100 गाड़ी अगर पाकिस्तान में बुक होती थी कोई किसी कंपनी के डीलरशिप के पास, तो 85 गाड़ियां उसमें से बैंक की होती थी। सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये लोकल गाड़ियां जरूरत पूरी कर सकें, जबकि इम्पोर्टेड गाड़ी मार्केट में अवेलेबल होती थी तो ये तब पूरी नहीं कर सकती थी, और 5-5 लाख ऑन की वजह भी यही थी कि जरूरत पूरी नहीं कर सकती थी। अब जबकि इम्पोर्टेड गाड़ी गवर्नमेंट ने बंद कर दी है तो अब कैसे जरूरत पूरी कर सकती है, आप खुद बताएं। जी शुक्रिया शहजादा सलीम साहब, हमने शहजादा सलीम साहब की बात सुनी। इनका ये कहना है कि ये जो पॉलिसी में जो रद्दबदल किया गया है इससे ना सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री पर बुरे असरात मुरतब होंगे, बल्कि जो कार डीलर्स हैं और आम जो गाड़ियां खरीदने वाले हैं उनके लिए भी ये पॉलिसी जो है ये कोई दुरुस्त इकदाम नहीं है। जी, कार डीलर्स ने हुकूमती पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया है। फहद नजीर कहते हैं, हुकूमत ने रातों रात पॉलिसी तब्दील की, ताजरों और कारोबारी बिरादरी से कोई मशवरा नहीं किया। कोविड के आने से काफी कार सेक्टर को फर्क पड़ा था, तो हमें जो सपोर्ट बेसिकली मिली थी वो बैंकिंग सेक्टर से मिली थी कि आपको गाड़ी के लिए लोन भी मिलता था और कार फाइनेंसिंग भी मिलती थी बहुत छोटी डाउन पेमेंट पे। तो तकरीबन 70-80% जो बिजनेस होता था गाड़ियों का वो बैंक के ऊपर मदना था। थोड़ा सा अगर पॉलिसी को ईज कर देते और हमें कोई ऐसी रेगुलेशंस बता देते कि हमें कुछ टाइम दिया जाता, तो ये सिर्फ इंपोर्ट करने वाले लोगों को फर्क नहीं आया, कंपनीज को भी फर्क आएगा। और मेरे हिसाब से कि कोई एक ऐसी आसान पॉलिसी बनाते जिसमें 2 से 4 महीने का टाइम देते, और जाहिर बात है वो 2-4 महीने के टाइम की वजह से कुछ चीजें जो है वो बेहतर हो सकती थी, ना कि आधी रात को पॉलिसी निकाल के और सुबह हम जी सो के उठे और हमें पता चला कि हमारे सेक्टर के लिए ये काफी बैड और बुरा असर लाएगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अफगानिस्तान से फलों की दरामद पर आए सेल्स टैक्स खत्म कर दिया है।
फैसले का इतलाक सेब पर नहीं होगा। एसबीआर ने पिशावर और क्वेटा कस्टम हुकाम को हिदायत जारी कर दी। दरामदात पर 20% टैक्स आयद था। अफगानिस्तान से अंगूर, अनार, खरबूजा और सेब दरामद किए जाते हैं। इस्लामाबाद में महंगाई आसमान को छूने लगी। बाजारों में कोई भी सब्जी 60 रुपए से कम में दस्तियाब नहीं है। शहरी इंतजामिया से नाउमीद होकर वजीर आजम से भी नाला नजर आते हैं। आयशा नास की रिपोर्ट देखते हैं। शहरी इक्तदार वाले अगर फल या सब्जी खरीदना चाहते हैं तो अपने साथ कम से कम 60 रुपए जरूर लेके आए। जी हाँ, मार्केट में कीमतों की कमी का कोई तासुर नहीं मिल रहा। आलू, प्याज, टमाटर को ही ले लें तो सब की कीमतें 60 रुपए से ज्यादा हैं। आज जो रेट है कल वो और होगा, क्योंकि कंट्रोल की नहीं है, रेट पे किस कहीं भी नहीं है। जो दूसरी दुकानों में भी जाए तो उधर भी है, एक चीज अगर 250 मिलते है वो 300 देगा। दिन पे दिन कीमतें बढ़ी रही है, उनकी कम नहीं हो रही किसी चीज की। इमरान खान क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं। आवाम को कोई ना रिलीफ दे रहा ना कोई क्या। अभी कल कह रहे थे कोई बजट में करेंगे, चीनी सस्ती, आटा, ये कोई चीज सस्ती। कीमतों में रद्द बदल तो कबूल, लेकिन आए रोज कीमतों में इजाफा ही किया जा रहा है। शहरी वजीर आजम से शिकवा कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये है कि महंगाई को नहीं रोक सके, आपने आगे क्या करना है? आपने तो रुला के रख दिया पूरी गरीब आवाम को। आवाम ने चांस दिया है कि जी एक चांस दे के देखते हैं तो, लेकिन कुछ फायदा तो नहीं है। इस्लामाबाद के वासी कहते हैं इंतजामिया रेट लिस्ट जारी करने पर ही इक्तफा किए हुए हैं, जिसका खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट लेवल पे इनको कुछ चेक नहीं करता, इनको कुछ फाइन नहीं करता। मुझे पता है कि ये महंगा दे रहा है, कि घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। शहरी इक्तदार के वासी महंगाई को लेकर वजीर आजम से भी नाला दिखाई दे रहे हैं। तनख्वाह में नहीं हो रहा गुजारा, रहम करो खुदारा, आवाम की दुहाई, कंट्रोल करो महंगाई। कैमरामैन फैजान अली के साथ आयशा नास, आज न्यूज़ इस्लामाबाद। मुल्क भर में आटे के दाम कम ना हो सके। हर शहर में आटे की कीमत मुख्तलिफ है। कराची में 72, पिशावर और क्वेटा में 62 तो लाहौर में 61 रुपए फी किलो में मिल रहा है। वीट के ऊपर भी हमारी जो कॉस्ट है वो कोई 2040 रुपए है, हम उसको दे रहे हैं 1950 पे आज लेके आ रहे हैं। ये हुकूमत अपनी जेब से पैसे करेगी तो इसमें फर्क आएगा। हुकूमती दावा एक जानिब, तहम आटे का 20 किलो का थैला बाजार में सभी को मुंह चढ़ा रहा है। कराची में 20 किलो आटे का थैला 1440 रुपए, जो दो हफ्ते कबल 1350 रुपए की सतह पर था। हैदराबाद में 1360 रुपए में फरोख्त हो रहा है। सखर और लाड़काना में 1300 रुपए कीमत है। क्वेटा में 1240 वाला 1300, जबकि खुजदार में 1200 वाला 1280 रुपए में फरोख्त हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा भी आटे की कीमतों में इजाफे से न बच पाया। पिशावर में 1240 और बन्नू में 1200 रुपए की सतह पर है। पंजाब में भी आटे की कीमत को पर लग गए। 20 किलो थैले की कीमत रावलपिंडी में 1330, लाहौर 1220, गुजरांवाला 1225, सरगोधा 1160, सियालकोट और मुल्तान में 1100 में फरोख्त जारी है। इस्लामाबाद में भी आटे के थैले की कीमत 1280 रुपए की सतह पर है। मुल्क में जारी कमर तोड़ महंगाई ने ज़र्फ़ुल उम्र अफराद को भी मेहनत मुशक्कत पर मजबूर कर दिया है। बन्नू में दो वक्त की रोटी के हुसूल के लिए दर्जनों बुजुर्ग शहरी मजदूरी करते नजर आते हैं। तफसीलात मोहम्मद नौमान की इस रिपोर्ट में देखते हैं। मुल्क में महंगाई हो और घर में कोई सहारा ना हो तो मजदूरी करने में ज़ईफ़ुल उम्र भी आड़े नहीं आती। इन मजदूरों को गर्मी का एहसास होता है, न बारिश की फिक्र, बस दो वक्त की रोटी की उजरत पूरी करने के लिए भारी भरकम बोझ उठाते हैं। कोई काम नहीं आता है, क्या करूंगा, ये सवेरा फिरता है, मजदूरी है नहीं। कभी 100 रुपए कमाते हैं, कभी 50 रुपए कमाते हैं। बल बच्चे मांगता है, रोटी मांगता है, आटा मांगता है, चीनी मांगता है, घी मांगता है, क्या करूं, मजबूरी है, मजबूरी नहीं काम करता हूं। 50 से 60 साल की उम्र के इन मजदूरों को जब काम ना मिले तो घर का चूल्हा ठंडा पड़ जाता है। हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन के बायस ये मजदूर मुसलसल 14-14 घंटे काम करते हैं। ये महंगाई के दौर है, वो सारा लोग परेशान है, लॉकडाउन है, कुछ भी है, लेकिन रोजी कमाने के लिए कोई तरीका नहीं है। और सुबह से लेकर शाम तक वो तकरीबन 500-600 रुपए कमाते हैं, वो बाल बच्चे के लिए तकरीबन वो चीनी चाय भी नहीं होता है। इन ज़ईफ़ुल उम्र मजदूरों का घर में कोई सहारा नहीं होता, इसलिए इनके पीठ पर जितना वजन डाला जाए ये परवाह नहीं करते। मेहनत में अजमत है, इसलिए तो ये बुजुर्ग उम्र के इस हिस्से में भी अपने खानदान की किफालत का बोझ उठा रहे हैं। कैमरामैन नसरुल्लाह के साथ मोहम्मद नोमान, आज न्यूज़ बन्नू। कोरोना के बाद इस पंजाब में हफ्ते की छुट्टी खत्म, तिजारती मराकज और बाजारों की रौनकें बहाल हो गईं। खरीदार भी खुश हैं। दुकानदार कहते हैं कि एसओपी पर अमल करवाना बहुत मुश्किल काम है। लाहौर से हुमा भट्ट रिपोर्ट करेंगे।
कारोबारी हजरात की मुश्किल दूर। हफ्ते की छुट्टी खत्म हुई और तमाम मार्केटों और बाजारों की रौनकें भी दोबाला हो गयी। खरीदार तो काफी खुश हैं, कहते हैं अब शॉपिंग करना आसान हो गया। अब जो है फैमिली खुल के शॉपिंग करेगी, पहले करते जहाँ पहले भी थे लॉकडाउन पे, इतना एसओपीज को फॉलो नहीं करते। अच्छा लग रहा है क्योंकि दो दिन छुट्टी के मिलते हैं, एक आधा दिन बंदा जरा रेस्टोरेंट वगैरह में चला जाए, एक आधा दिन जरा शॉपिंग कर ले। एहतियात करें, मास्क पहने, बच्चों को लेकर आए वो भी सामान खरीद सके। दुकानदारों की खुशी भी दीदनी है, तहम कहते हैं एसओपी पर अमल करवाना बहुत मुश्किल काम है। एसओपी नहीं अमल होता, सच्ची बात है, हम भी नहीं करते, कोई भी नहीं करता, कस्टमर आता है वो भी नहीं करता। कस्टमर लोग आते हैं उनसे सिर्फ मास्क का कहते हैं कि जी मास्क आपने पहनना, तो वो कस्टमर जो शॉपिंग करता होता है वो भी छोड़ के निकल जाता है बाहर। एनसीओसी के हुक्मनामे के मुताबिक हफ्ते की छुट्टी के खात्मे के साथ मार्केटों को रात 10 बजे तक खुलने की इजाज़त है। मार्केटें खुलने से दुकानदारों की परेशानी दूर हुई। खरीदार कहते हैं कि अब एसओपी पर अमल दरामद भी खूब होना चाहिए। कैमरामैन नासिर अली के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज लाहौर। सानिया मेहरान टाउन कराची केस में अहम पेशरफ्त, गफलत बरतने वाले चार इदारों के अफसरान बतौर मुलजमान नामजद कर लिए गए। महकमा लेबर, एसपीसीए, केटीए, सिविल डिफेंस के अफसरान गफलत के मुर्तकिब करार पाए। इस हवाले से मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे शमील अहमद से। शमील अहमद, अपडेट कीजिएगा। आज स्थिति को सानिया मेहरान टाउन के हवाले से समाप्ति के दौरान पुलिस से चालान पेश किया गया है। पुलिस की जानिब से चालान पेश किया गया, उसमें महकमा लेबर, एसपीसीए, केडीए, सिविल डिफेंस गफलत के मुर्तकिब करार पाए हैं। जब महकमा लेबर अफसर मोहम्मद अली, डिप्टी डायरेक्टर एसपीसीए तौरंगी अब्दुल सनी, केडीए के डिप्टी डायरेक्टर लैंड इरफान हुसैन, डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस शाहबुद्दीन अभी इसमें मुलजिम करार पाए गए हैं। चालान में कहा गया कि दौरान तफ्तीश इन अफसरान की मुजरमाना गफलत सामने आई है। मुकदमे में ताजियात पाकिस्तान की दफा 119 भी शामिल करने की सिफारिश की गई है, जबकि चालान के मुताबिक 64 गवाह इस मुकदमे में शामिल है। ठीक, शमील अहमद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सिंध में स्कूल्स के लिए 3.5 अरब की डेस्क खरीदारी के मामले में अहम पेशरफ हुई है। कमेटी की सिफारिश पर ठेका मनसूख करने का फैसला कर लिया गया। कमेटी ने सिफारिश की, फर्नीचर की खरीदारी सेपरा के मुरवजा कवानीन के तहत डिविजनल सतह पर की जाए, मंदरजात सूबाई सतह पर तय किए जाए। डिविजनल प्रोक्योरमेंट की तमाम अमल को सूबाई सतह पर महकमा मॉनिटर करे। रेंजर्स और पुलिस का कराची में गैर कानूनी सिक्योरिटी गार्ड्स के खिलाफ क्रैकडाउन। इब्तदाई मरहले में सिक्योरिटी गार्ड्स की अक्सरियत गैर तरबियत याफ्ता पाई गई। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक 4 अजला में मजमूई तौर पर 4661 सिक्योरिटी गार्ड्स का रिकॉर्ड चेक किया गया। मुश्तबा सिक्योरिटी गार्ड्स की क्राइम रिपोर्टिंग इंडेक्स सिस्टम के तहत वेरीफिकेशन की गई। असले की तस्दीक के दौरान 337 गार्ड्स का असला गैर तस्दीकशुदा और 159 गार्ड्स का असला गैर लाइसेंस याफ्ता पाया गया। कराची में मिजेना रोड लाइट हाउस के करीब चलती गाड़ियों पर दरख्त गिर गया। ट्रैफिक पुलिस ने बरवक्त पहुंचकर कार में फंसे शहरियों को निकाल लिया है। ट्रैफिक पुलिस अहलकार ने दरख्त खुद कुल्हाड़ी से काटकर रास्ता क्लियर करा दिया। कराची पुलिस ने टारगेट किलिंग, लैंड ग्रैबिंग समेत संगीन जराइम में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने 25 जुलाई को गुलिस्तान जौहर में शहरी को घर के बाहर फायरिंग करके कत्ल करवाया था। मुलजिम की अपने साथियों की अहकाम देने की वीडियो भी रिकॉर्डिंग मौसूल हो चुकी है। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शंघाई तावन तंजीम के तहत अमन मिशन 21 मशकें अख्ताम पजीर हो गई। तमाम रुकन ममालिक के फौजी दस्तों ने मशकों में भरपूर तौर पर शिरकत की। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने जायजा लिया। फोरम में इलाकाई और आलमी जियो सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। जनरल नदीम रजा ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन सबकी जिम्मेदारी है, पाकिस्तान अमन के लिए काम जारी रखेगा।